बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया राइट। तो हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में मलेरिया की। तो जब मलेरिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे दिस इज अ प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोआ बेस्ड डिजीज राइट। मलेरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोटोजोन है दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम लिख लीजिए, इसके तो कई सारे स्पेसीज हैं। दूसरा क्या है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अलावा, ओवेल है, मलेरी है राइट। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं वेक्टर इज नीडेड, वेक्टर इज नीडेड। वेक्टर क्या है यहाँ पे, वेक्टर आपका है मॉस्किटो, और मॉस्किटो कौन सा है, मॉस्किटो आपका है एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो राइट। तो कुल मिला के ये क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्लाज्मोडियम इसका आपका प्रोटोजोआ है, और वेक्टर की जरूरत है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मॉस्किटो की भी थोड़ी सी, एनोफिलीज की भी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग डेंगी देख रहे थे वहां पे एडीज मॉस्किटो थे, टाइगर मॉस्किटो थे, यहाँ पे आपके पास एनोफिलीज मॉस्किटो है। टाइगर मॉस्किटो की बॉडी पे स्ट्राइप्स बने थे, व्हाइट डॉट्स बने थे। यहाँ पे वैसे मॉस्किटो पहचानना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, ये आपका एनोफिलीज मॉस्किटो है राइट। तो इस ये आपका वेक्टर है किस चीज का, मलेरिया का ठीक है। तो जब मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो ये पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है। अभी पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं राइट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो, मॉस्किटो है, जब मॉस्किटो इंसान को बाइट करता है, तो मॉस्किटो इंसान को बाइट करता है मतलब यहाँ पे स्पोरोजॉइट आ गया ठीक है। स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड में मॉस्किटो इनोकुलेट कर देता है। ये स्पोरोजॉइट्स लीवर के पास जाते हैं, लीवर से मीरोजॉइट बन जाते हैं। मीरोजॉइट्स आपके क्या करते हैं, आगे चल के आरबीसी को अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। आगे चल के कुछ मीरोजॉइट्स गैमेटोसाइट्स में बन जाते हैं, और दोबारा मॉस्किटो जब ब्लड सक करने आता है तो कुछ गैमेटोसाइट्स लेके चला जाता है, फिर उससे स्पोरोजॉइट बनाता है, और इस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम चलता रहता है राइट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम राइट। तो यहाँ पे मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों इन्वॉल्व है। ह्यूमन में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है और मॉस्किटो में सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, वो सबका डिटेल बहुत ज्यादा नहीं नीडेड है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एजेंट आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, एजेंट इज प्रोटोजोआ राइट। और दैट इज प्लाज्मोडियम। इसके कई स्पेसीज हैं और कई स्पेसीज में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम काफी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्पेसीज है जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये आपका मोस्ट कॉमन स्पेसीज है राइट। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अगर किसी को सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है तो ज्यादातर ये आपका किससे होता है, फैल्सीपेरम से। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल है, इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरी है राइट, मलेरी। तो इस तरीके से कुछ आपके स्पेसीज होते हैं इस प्लाज्मोडियम के। इंडिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे ज्यादा कॉमन है, फॉलोड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन होता है इट इज मोस्टली मोर डेंजरस राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मलेरिया की, जो कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और वेक्टर यहाँ पे क्या है, मॉस्किटो है राइट। यहाँ पे कुछ आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मलेरिया, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मलेरिया। तो यहाँ पे जब फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं मलेरिया से रिलेटेड, तो सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया कैन रिलैप्स। मतलब अगर मॉस्किटो ना भी काटे, आपको कभी मलेरिया हुआ हो, तो अगर कुछ फॉर्म में पैरासाइट डोरमेंट या लेटेंट स्टेज में बचा हो तो कभी भी एक्टिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन
इस पैथोजेनिसिटी ऑफ दैट स्पेसीज और डिपेंडिंग ऑन आपकी इम्यूनिटी क्या है. मलेरिया कैन रिलैप्स स्पेशली कौन सा, स्पेशली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, स्पेशली बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ड्यू टू हिप्नोजॉइट्स. हिप्नोजॉइट्स हमेशा नहीं बनते हैं, कुछ लोगों में बनते हैं हिप्नोजॉइट्स. यही आपके डॉर्मेंट स्टेट होते हैं, मतलब ये छुपे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कभी कभी एक्टिवेट हो जाते हैं. कैन एक्टिवेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कैन एक्टिवेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो बिना मच्छर काटे भी मलेरिया हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब एक बार मॉस्किटो बाइट या एक बार मलेरिया हो चुका हो. तो हम लोग यही कहते हैं, अब मॉस्किटो मैं नहीं बना पाऊंगा बहुत अच्छे से, मॉस्किटो ने बाइट किया, बॉडी में क्या गए, स्पोरोजॉइट्स, राइट. ये स्पोरोजॉइट्स हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेट है, राइट. ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमन के लिए, मॉस्किटो के लिए गैमिटोसाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम. ये स्पोरोजॉइट्स आपके किसको अटैक करते हैं, ये स्पोरोजॉइट्स आपके लीवर को अटैक करते हैं, राइट. ये लीवर है और लीवर से आगे चल के, अभी हम लोग लाइफ साइकिल नहीं देख रहे हैं, लीवर से आगे चल के ये ढेर सारे मीरोजॉइट्स बन जाते हैं, राइट. मीरोजॉइट्स, तो जो बॉडी में फीवर ये सब आता है मीरोजॉइट्स की वजह से आता है, क्योंकि यही मीरोजॉइट्स अटैक करते हैं किसको, अटैक आरबीसीज, राइट. और आरबीसी का धीरे धीरे रप्चर हो जाता है, तो मीरोजॉइट्स अटैक आरबीसीज, राइट. तो इस तरीके से लाइफ साइकिल होती है जिसमें स्पोरोजॉइट ज्यादातर बनते हैं और मीरोजॉइट्स बनते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों में हिप्नोजॉइट्स बन जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके के हिप्नोजॉइट्स बना ले रहे हैं, राइट. लीवर में समटाइम्स हिप्नोजॉइट्स आर फॉर्म्ड, खासकर अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, हिप्नोजॉइट्स आर फॉर्म्ड, राइट. दे मे एक्टिवेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दे मे रीएक्टिवेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कोई जरूरी नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉज रिलैप्स, आगे चल के मीरोजॉइट में चेंज हो जाएंगे एंड दस कॉज रिलैप्स ऑफ मलेरिया, राइट. अब यहाँ पे रिलैप्स कराएगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भी किसी को क्या करते हैं, जब भी किसी को ट्रीटमेंट देते हैं एंटी मलेरिया, क्लोरोक्विन आर्टिसुनेट ये सब तो जानते हो, साथ में 14 डेज के लिए या एटलीस्ट एक सिंगल डोज हम लोग प्राइमाक्विन को का देते हैं, राइट. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं टू किल हिप्नोजॉइट्स प्राइमाक्विन, मेलरिड नाम से आती है, प्राइमाक्विन मस्ट बी गिवन टू मलेरिया पेशेंट्स, राइट, टू किल ऑल हिप्नोजॉइट्स, राइट. अगर हम लोग क्लोरोक्विन वगैरह की बात करें तो उससे हिप्नोजॉइट नहीं मरेंगे, अगर हिप्नोजॉइट को किल करना है तो आपको प्राइमाक्विन मलेरिया के ट्रीटमेंट में ऐड करना है, राइट. तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई मलेरिया का पेशेंट ट्रीट करिए आगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मलेरिया के पेशेंट में आप लोगों को प्राइमाक्विन जरूर देना है, अदरवाइज वो एपिसोड तो मलेरिया का ठीक हो जाएगा, बट हो सकता है कि आगे चल के मलेरिया रिलैप्स हो जाए, राइट. तो इस मलेरिया में जान भी जा सकती है पेशेंट की, तो इस वजह से ये नहीं कि रिलैप्स हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट दे देंगे. तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक था, हम लोगों ने स्पोरोजॉइट, मीरोजॉइट और साथ में हिप्नोजॉइट्स की बात किया है, राइट, जिसको जो इम्पोर्टेंट है रिलैप्स कराने के लिए, राइट. और जिनके लिए आगे चल के हम लोग देखेंगे प्राइमाक्विन हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, जरूरी है मलेरिया के मरीज को क्लोरोक्विन आर्टिसुनेट के अलावा प्राइमाक्विन भी देना. तो जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे. बाकी यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू मलेरिया. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, फ्यू पर्संस आर इम्यून टू मलेरिया, पार्शली या फुली इम्यून है, फ्यू पर्संस आर इम्यून, मतलब उनमें मलेरिया का अटैक या तो आएगा ही नहीं या तो सीवियर नहीं होगा, टू
मलेरिया। तो ऐसे लोग कौन हैं, राइट, इन्हीं की चर्चा करते हैं आगे। तो यहाँ पे कौन कौन से ये लोग इम्यून हैं, सबसे पहले हम लोग बच्चों की बात करेंगे, नियोनेट की बात करेंगे, इन्फेंसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक बेसिक की बात किया जाए तो हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। आगे चल के हम लोग देखते थे कि जो मीरोजोइट्स होते थे वो किसको अटैक करते थे, आरबीसी को। तो अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ए नहीं होगा, HbA, एडल्ट हीमोग्लोबिन, तो शायद ये आपका पैरासाइट सर्वाइव ना कर पाए, एडल्ट हीमोग्लोबिन, राइट। तो हम लोग कहते हैं एडल्ट आरबीसी में एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है। एडल्ट हीमोग्लोबिन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल या प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक महीने के बच्चे की बात करें तो उसमें मलेरिया बहुत अनलाइकली है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ए के बजाय हीमोग्लोबिन एफ, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नियोनेट्स, नियोनेट्स, राइट, या न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, राइट। अगर हम लोग कहें चाइल्ड एटलीस्ट लेस देन 6 मंथ्स, राइट, यूजली डोंट सफर फ्रॉम मलेरिया, ना डेंगी, यूजली डोंट सफर फ्रॉम मलेरिया। क्यों? बिकॉज इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन ए दे हैव मोर ऑफ हीमोग्लोबिन एफ, दैट इज फीटल आरबीसीज, फीटल हीमोग्लोबिन, राइट। तो अगर हम लोग नियोनेट की बात करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एच बी एफ टाइप का होता है, राइट। अगर 6 मंथ से कम है कोई तो एच बी एफ का प्रपोर्शन 50% से ज्यादा है, एच बी एफ इज इक्वल टू फीटल हीमोग्लोबिन, राइट। ये आपका जाहिर सी बात है आरबीसी है। हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम डू नॉट थ्राइव वेल, प्लाज्मोडियम डू नॉट थ्राइव वेल इफ हीमोग्लोबिन इज अदर देन एच बी ए एडल्ट, राइट। तो हर एक चीज का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे नियोनेट्स आपके, राइट, उनके ऊपर ऊपर वाले ने रहम किया है कि उनको कुछ दिन तक मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन एफ है वो बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगा, राइट, किसको, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को। तो पहली चीज हो गई आपके नियोनेट्स। दूसरी क्या चीज हो गई, जब हम लोग बात करते हैं थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, तो इन लोगों में भी क्या होता है, इन लोगों में भी हीमोग्लोबिन की ही प्रॉब्लम होती है। एक में सिकल सेल्ड आरबीसीज हो जाती है, एक में छोटी और डिफेक्टिव आरबीसीज हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में चाहे अल्फा चेन ना हो या बीटा चेन ना हो, या बीटा चेन आपकी क्या हो, या बीटा चेन आपकी डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये चीज देखेंगे इन पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, राइट, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, राइट। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन कैसा होता है, एच बी एस टाइप का होता है, ए कम होता है, एच बी एस ज्यादा होता है। थैलेसीमिया में एच बी ए में अल्फा या बीटा चेन आपकी क्या होती है, एबसेंट होती है, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट अल्फा थैलेसीमिक है या बीटा थैलेसीमिक है। खासकर अगर पेशेंट सिकल सेल ट्रेट का हो या थैलेसीमिया ट्रेट का हो, मतलब कम सीवियर थैलेसीमिया हो, तो वो आपके बिल्कुल इम्यून होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इतना लिख लेते हैं, हीमोग्लोबिन अदर देन एच बी ए प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट, इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, राइट, बी इट एच बी एस इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव एच बी ए इन थैलेसीमिया, राइट। तो इसको अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, इनफैक्ट हीमोग्लोबिन ही इसका डाइट है, प्रॉपर अगर हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, एच बी ए नहीं मिलेगा, तो ये आपके पैरासाइट प्रॉपरली सर्वाइव करके इन्फेक्शन या पैथोजेनेसिटी नहीं करा पाएंगे।
इसी के अलावा कुछ लोगों के आरबीसी मेम्ब्रेन पे कुछ एंजाइम्स या कुछ कंपाउंड्स मिसिंग होते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए एब्सेंस ऑफ डफी एंटीजन, एब्सेंस ऑफ, खासकर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए जरूरत होती है डफी एंटीजन। तो जैसे आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं, वैसे कुछ और एंटीजेंस होते हैं अननोन इटियोलॉजी के ओवर आरबीसी, राइट। जैसे मान लीजिए मैं कहूं अगर एक नॉर्मल आरबीसी है तो कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी है, ए ब्लड ग्रुप आरबीसी, तो इसके ऊपर एक एंटीजन होगा जिसको हम लोग ए कहेंगे। इसी तरीके से कुछ अननोन एंटीजेंस या कुछ एंटीजेंस ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया एक और एंटीजन है नॉर्मली प्रेजेंट होता है, हम लोग कहते हैं दिस इज डफी एंटीजन, राइट। कुछ लोगों में डफी एंटीजन नहीं होता, ये डफी एंटीजन आपका एक तरीके से काम करता है एज अ रिसेप्टर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इन फ्यू इंडिविजुअल्स डफी एंटीजन इज नेगेटिव, राइट। डफी एंटीजन मे बिहेव लाइक रिसेप्टर, मे बिहेव लाइक रिसेप्टर फॉर प्लाज्मोडियम, रिसेप्टर फॉर प्लाज्मोडियम, राइट। देयरफॉर इफ डफी एंटीजन इज पॉजिटिव, सॉरी डफी एंटीजन इज नेगेटिव मतलब है ही नहीं, पर्सन मे बी इम्यून फॉर, पर्सन मे बिकम इम्यून फॉर किसके लिए, प्लाज्मा मलेरिया, राइट। तो ये भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही एक और एंजाइम होती है, वो भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है इसमें मलेरियल पैरासाइट के सर्वाइवल में, इनफैक्ट वो आरबीसी के सर्वाइवल में भी रोल प्ले करती है। हम लोग कहते हैं G6PD एंजाइम, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जब हम लोगों ने अनीमिया पढ़ा था तो इसके बारे में भी देखा था। यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं, G6PD डिफिशियंसी। कोई जरूरी नहीं G6PD वाले को मलेरिया ना हो, लेकिन एटलीस्ट सीवियर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। फोर, एब्सेंस ऑफ, या सिंपली लिख लेते हैं G6PD डिफिशियंसी, G6PD डिफिशियंसी ओवर आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन पे ही ये एंजाइम है, एंटीजन नहीं है। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एक इसका यूज होता है, इससे आरबीसी की लिसिस कम होती है। यहाँ पे एक एंजाइम होती है, एंजाइम आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, राइट। आरबीसी मेम्ब्रेन क्या है वो, दैट इज G6PD एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। फालतू एंजाइम नहीं है, इसका काफी काम है, लेकिन कुछ लोगों में ये भी एब्सेंट रहती है। तो ऐसे लोगों में हीमोलिसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चलो वो तो ठीक है अनीमिया वगैरह कराएगा, लेकिन अगर G6PD डिफिशियंसी है तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है सीवियर मलेरिया होने के चांसेस ड्यू टू मल्टीपल रीजंस कम रहते हैं, राइट। पर्संस हु लैक G6PD, राइट, मे नॉट डेवलप मलेरिया, राइट, मे नॉट डेवलप मलेरिया, या सीवियर मलेरिया तो ऐसे लोगों में कम देखा गया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बेसिक ऑफ ड्रग्स की बात करें यूज इन मलेरिया, बेसिक्स ऑफ ड्रग्स यूज इन मलेरिया, तो हम लोग कहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है दैट इज क्लोरोक्विन। आप लोग देखे होंगे क्लोरोक्विन, राइट। मार्केट में ये आएगी लेरियागो नाम से, राइट। बड़ी सस्ती सी दवा है, बहुत कड़वी सी दवा होती है क्लोरोक्विन, लेकिन क्लोरोक्विन के अगेंस्ट काफी रेजिस्टेंस मिलने लगा है। तो एक और ड्रग आ गई है क्विनीन, राइट, ये कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए। एक और ड्रग आ गई है आर्टिमिसिन बेस्ड डेरिवेटिव्स, आर्टिमिसिन बेस्ड डेरिवेटिव्स, राइट, जिसमें आपका क्या आ जाता है आर्टिसुमेट, आर्टिमीथर, राइट। ये बेसिक लेक्चर चल रहा है, आरटी ईथर,
राइट समथिंग लाइक दिस। ये सारी ड्रग्स मलेरिया को तो ठीक कर देंगे लेकिन हिप्नोजॉइट स्टेज पे इनका कोई रोल नहीं होगा, राइट। तो ऑलवेज रिमेम्बर, हम लोगों ने लेक्चर जहां से स्टार्ट किया था, ऑलवेज रिमेम्बर, राइट, प्राइमाक्विन फॉर किलिंग ऑफ हिप्नोजॉइट्स, मतलब इसको भी साथ में आपको देना है, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं नोन एज रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मतलब जड़ से खत्म करना है, रेडिकल ट्रीटमेंट। अगर बाकी एंटी मलेरियल के साथ आप लोगों ने क्या दे दिया, प्राइमाक्विन भी दे दिया, राइट, तो आपका क्या होगा, हिप्नोजॉइट्स की भी किलिंग हो जाएगी और पेशेंट में आप लोग एक तरीके से पेशेंट को आप लोग मलेरियल पैरासाइट फ्री कर दोगे, आगे चल के रिलैप्स वगैरह के भी चांसेस नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मलेरिया का बिल्कुल बेसिक देखा है, प्रोटोजोन बॉर्न डिजीज है, प्राइमाक्विन यहाँ पे हम लोग रिलैप्स के लिए देते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें कि हिप्नोजॉइट स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इम्यून होते हैं उनकी बात किया हम लोगों ने, जैसे न्यूबॉर्न्स हो गए, एडल्ट हीमोग्लोबिन नहीं है, फीटल हीमोग्लोबिन है, दैट इज प्रोटेक्टिव। इन द सेम वे अगर सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया के पेशेंट होंगे तो जो हीमोग्लोबिन ए होगा वो डिफेक्टिव होगा, तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इसको पसंद नहीं है। डफी एंटीजन अगर नेगेटिव होगा या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम नेगेटिव होगा। और बाकी रही ड्रग्स की बात, ये सारी चीजें तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्लोरोपिन क्विनीन एंड आर्टिमिसिन बेस्ड डेरिवेटिव्स, ये तो ट्रीटमेंट के लिए है, लेकिन अगर रिलैप्स प्रिवेंट करना चाहते हैं, रेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो हमें प्राइमाक्विन देना होगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं, मलेरिया हो डेंगी हो ऐसे केसेस में कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। जैसे टाइफॉइड है तो ठीक है आप एंटीबायोटिक दीजिए, आप सिफिक्सिन दीजिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था एजिथ्रोमाइसिन या फ्लोरोक्विनोलोन और पहले क्लोरामफेनिकोल, लेकिन यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो बिना मतलब के पेशेंट को ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं देना है कि ये काम कर जाए वो काम कर जाए, सारी ड्रग्स का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अभी मलेरिया जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी मलेरिया की डेप्थ में हम लोग कल से चलेंगे। आइए चैट सेक्शन।